नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं आने वाले यानी कहूँ इस साल के आखिरी 4 महीनों का राशिफल। दोस्तों, इस राशिफल को बहुत ही सामान्य आधार पर तैयार किया गया है, बनाया गया है। विशेष जानकारी विशेष परिस्थितियों के लिए और विशेष दिशा दशाओं के लिए आप 9411848508 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में प्रायः क्या स्थिति चल रही है। दोस्तों, इस राशिफल में आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी यानी कि व्यक्तिगत जीवन, आपका प्रेम, आपका कैरियर, आपकी नौकरी, आपकी कंपटीशन यानी कि शिक्षा और आपके स्वास्थ्य के बारे में मैं चिंतन करूंगा। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर देखिएगा अंत तक, तभी आप समझ पाएंगे कि आपको 4 महीनों में आपको क्या करना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैसा रहेगा आपके लिए, पहले देख लेते हैं कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी यानी कि व्यक्तिगत जीवन आपका कैसा रहेगा। सितंबर का महीना कहीं ना कहीं आपके काम काज में सुधार लेकर आएगा और कहीं ना कहीं आर्थिक परेशानियों से आपको निजात मिलेगी। कहीं ना कहीं जो काम काज में अड़चन आ रही थी उनका समाधान आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा और आपको आउटसाइड जो हेल्प है वो काफ़ी हद तक मिलेगी। घर के अंदर अगर कुछ तरह के द्वंद्व यानी कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो यहाँ पर स्थितियाँ बेहतरीन होती हुई दिखाई देंगी। आपके मनोबल में मजबूती आएगी और कुछ महत्वपूर्ण फैसलों में आपकी भागीदारी यहाँ पर हो सकती है। दशम भाव में बृहस्पति पर मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं आपको बल प्रदान करेगी और कहीं ना कहीं आपके प्रशासनिक निर्णय यहाँ पर बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि आपकी स्थितियां यहाँ पर काफ़ी हद तक सुधार की तरफ जाएंगी और आपकी अनुकूल परिस्थितियां आपके लिए बहुत रहेंगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वक्री शनि है तो और केतु के साथ रहेंगे तो आप ज़्यादा शर्तबाजी में यहाँ पर ना लगाएं और अपने पैसे को यहाँ पर संभाल कर चलाएं। हालांकि मैं पैसों को लेकर जब मैं आपके कैरियर पर आऊँगा तब आपको बताऊँगा। अक्टूबर में व्यक्तिगत जीवन बहुत बड़ी कोई समस्या अगर घर में चल रही थी तो उसका निवारण यहाँ पर प्राप्त होगा और भाग्य में वृद्धि होगी। राशि से दशम भाव के आसपास कई सारे जो ग्रह हैं वो एक साथ हैं तो कहीं ना कहीं आपके शक्ति और सामर्थ्य में बढ़ोतरी करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, बाधाएं तो आएंगी लेकिन स्थितियां जो हैं आपके पक्ष में रहेंगी क्योंकि मंगल जो है वो आपके लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें यहाँ पर कर सकता है। पूजा पाठ में मन कम लगेगा और कहीं ना कहीं एक अजीब सी बेचैनी की स्थिति में आप आते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अक्टूबर का महीना आपके लिए काफ़ी हद तक बहुत अच्छी सौगात भी लेकर आएगा लेकिन कुछ समस्याएं भी आपके लेकर खड़ी करेगा। नवंबर की स्थिति बहुत ही अच्छी है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन ना करें अगर आप तो आप विशेष कार्य करने में बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। महीने का उत्तरार्ध आपको सडन गेन देगा और कहीं ना कहीं आपकी ग्रहों की स्थिति अनुकूल होगी और लाभ के यहाँ पर रास्ते नए खुलते हुए दिखाई देंगे। राशि से 11वें भाव में 4 ग्रहों की उपस्थिति आपको किसी बड़ा काम करने की संकेत देती है। आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी कि आप किसी व्यक्ति को नाराज यहाँ पर ना करें और कठोर भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। खासतौर से जो आपके बॉस हैं या आपके शासन में लोग बैठे हैं उनसे आपको यहाँ पर मदद लेने की जरूरत पड़ेगी तो उनसे अपने संबंध बहुत ही सहज बनाकर रखें। कहीं ना कहीं स्थितियाँ जो है वो बेहतर ही कहूँगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर आती हुई दिखाई नहीं देती। अगर मैं आपकी दिसंबर की स्थिति को देखूँ तो यहाँ पर आपकी मेहनत की जो आपने की है पिछले खासतौर से अक्टूबर नवंबर में वो आपको यहाँ पर आपकी गतिविधियों को बढ़ाती हुई दिखाई देगी और धन मनी माइंडेड आप होते हुए दिखाई देंगे और सत्ता में जो बैठे लोग हैं यहाँ पर आपकी स्थितियाँ बन सकती हैं। काफ़ी अच्छी यहाँ पर रहेगी, कामकाज में कुछ परिवर्तन आएंगे और कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बड़ी स्थिति आपको प्राप्त हो सकती है। देखिए, अगर थोड़ा सा यहाँ पर आपके भाई बहनों के साथ आपकी रिलेशनशिप को देखूँ तो यहाँ पर भाई बंधुओं के साथ रिलेशनशिप आपका अच्छा रहेगा। यहाँ पर एकाग्रता की कमी देखने को मिलेगी, यात्राओं कि बहुलता यहाँ पर रहेगी, खर्चा आप काफ़ी करेंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा। अगर आप अंधाधुंध तरीके से पैसा खर्च करेंगे तो गलतियाँ आपसे हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये तो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी हुई, अब हम बात करेंगे आपके नौकरी के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और वीडियो को लाइक और शेयर करने में किसी तरह की कंजूसी मत करना। आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी और आपकी कैरियर,
देखिए स्थितियां बेहतर हैं सितंबर में और कहीं ना कहीं आपको आर्थिक लाभ यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा सप्ताह सितंबर का आपके रुके हुए कामों में गति देगा, जिससे आपके अंदर जो उत्साह कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो गया था और एक तरीके से जो वातावरण आपके ऑफिस का बन गया था वो अनुकूल होता हुआ दिखाई देगा। घर के अंदर कुछ मांगल कार्य यहाँ पर हो सकते हैं और अध्यात्म में आपका मन लग सकता है। कुछ नया करने के लिए आप प्रेरित होते हुए दिखाई देंगे। नौकरी में स्थितियां बेहतर होंगी और आर्थिक समस्याओं का जो समाधान है वो आपको प्राप्त होगा। लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते समय, खासतौर से नौकरी अगर करते हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी की आवश्यकता रहेगी। किसी के कहने पर किसी भी ऑर्डर को आपको पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद ही उस पर साइन करना है। अगर वो अनुचित लगे तो एक बार किसी एक्सपर्ट की सलाह आप ले सकते हैं। जहाँ तक रही कंपटीशन की बात, समय अच्छा रहेगा बच्चों के लिए और आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब आप बात करते हैं अक्टूबर के महीने की, तो यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी सी 50-50 दिखाई देती हैं। हालांकि आपका मन घर जमीन खरीदने के लिए ज़्यादा रहेगा और महीने का जो आधा भाग है, मतलब 15 दिन के बाद स्थितियाँ आपको होंगी। यहाँ पर आर्थिक लाभ की स्थितियाँ उतनी नहीं होंगी जितना आप चाहते हैं। सूर्य आपको काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करते हुए दिखाई देंगे, जिससे स्थितियाँ जो है काफ़ी हद तक काबू में आएंगी। आपको सरकारी महकमों से लाभ हो सकता है, लेकिन शासन में बैठे लोगों से आपको कटु वचन या किसी तरह की कोई भी पंगेबाजी वहाँ पर नहीं लेनी है। राशि से अष्टम भाव में सूर्य मंगल सरकारी तंत्र में थोड़े से अड़चन के संकेत देते हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो नौकरी करते समय अपने बॉस के साथ रिश्ते अच्छे बनाए तो बेहतर रहेगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग नवंबर और दिसंबर के महीने की, कि नौकरी की क्या स्थिति आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए व्यावसायिक जो स्थिति जो है आपकी वो यहाँ पर अच्छी रहेगी, क्योंकि जो आपने पिछले दिनों मेहनत करी है, खास तौर से आपके अक्टूबर और सितंबर में और अगस्त में, उसकी लाभ अब आपको मिलेगी। बस आपको पैसों को अपने संभाल कर चलाना है। अब शुक्र भी धनु राशि में आकर अंतिम सप्ताह में आपको सफल बनाते हुए दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं नौकरी में आपकी प्रशंसा होनी निश्चित है। आपकी आर्थिक दृष्टि बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं आपने जो प्रमोशन आप चाहते हैं, अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो यहाँ पर आपके प्रमोशन होने की संभावनाएं हैं। सरकारी नौकरी लगने के प्रबल योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं आपकी स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई देती हैं। आप अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कंपटीशन जो दे रहे हैं बच्चे, उनके रिजल्ट्स यहाँ पर अच्छे होते हुए दिखाई देंगे और बहुत ही बढ़िया वो उनके लिए वातावरण बनेगा। हालांकि ये बहुत सामान्य आधार पर बता रहा हूँ, आपकी कुंडली पर क्या असर है वो तो आपकी कुंडली को देखकर ही बताया जा सकता है। अगर मैं दिसंबर महीने की बात करूँ तो यहाँ पर आपके लिए समय सही रहेगा। आप जो भी निर्णय लेंगे वह अच्छा रहेगा, लेकिन जो निर्णय आप लेंगे उसकी जो उपयोगिता है उसका आप फायदा खुद नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आप पूरे महीने मुझे बिजी दिखाई दे रहे हैं। आप अपने ऊर्जा में हैं और कहीं ना कहीं अपने पुराने कामों को निपटाने के लिए तत्पर हैं। इसमें में आप बल का प्रयोग करेंगे और कहीं ना कहीं अपने आप को एक एक्स्ट्रा एफर्ट मारते हुए दिखाई देंगे। बाधाएं हैं अभी रह सकती हैं और अगर आप इन बाधाओं को पूरा कर पाए दिसंबर में, देखिए शुभता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यह है कि आप एक्स्ट्रा मेहनत करने के मूड में यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो आपके चारों महीने जो हैं वो व्यवसाय नौकरी और बहुत अच्छे हैं आपके लिए। आपके प्रेम के बारे में बात करूंगा तो प्रेम में अब यहाँ पर आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा और कहीं ना कहीं आपके संपर्क बढ़ेंगे और जो मिसअंडरस्टैंडिंग चली थी आपके बीच में, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स अब आपकी ख़त्म होने लगेंगी। शारीरिक कष्ट हो सकते हैं थोड़े से और जीवन साथी के साथ आपकी यहाँ पर बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी। अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में कोई थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं तो वो दिक्कतें यहाँ पर कम होती हुई दिखाई देती हैं। देखिए रिश्ते जो हैं अक्टूबर में आपके आमतौर पर अच्छे रहेंगे। माता पिता के रिश्ते हों चाहे भाई बहन के रिश्ते हों, बहुत बढ़िया रहेंगे, लेकिन थोड़े से बाहरी लोगों को अपने रिलेशनशिप, खासतौर से प्रेम के रिलेशनशिप में आपको इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल से आपकी रिलेशनशिप ठीक होंगे, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा अपने आप को देख कर चलाएँ और कहीं ना कहीं किसी थर्ड व्यक्ति की
इंटरफेरेंस अपने लव रिलेशनशिप में ना लेकर आए। नवंबर की स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं कही जा सकती। प्रेम संबंधों में उलझने बढ़ सकती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि अक्टूबर में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, अगर आप वो ध्यान दे पाते हैं तो नवंबर में फिर ये जो स्थिति है वो आपके सामने नहीं आएगी। हालांकि जीवन साथी के साथ आपके यहाँ पर संबंध बहुत अच्छे होंगे और कहीं ना कहीं आपके लेन देन की स्थिति भी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। तो आपको ध्यान देना है कि आपको अपने लव रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा संभाल कर देखकर चलाना है। किसी तरीके की बहस, किसी तरीके की दिक्कत आपके रिश्ते नातों को ख़राब कर सकती है। दिसंबर में आपके लिए शुभता बनी रहेगी और कहीं ना कहीं थोड़ा सा माता के लिए ये समय उतना अच्छा नहीं होगा, और क्योंकि उनको हेल्थ से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए, आप सारी दुनिया को जीत नहीं सकते, लेकिन आप जहाँ काम कर सकते हैं वहाँ अगर आप दिलों में जगह बना पाएँ तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया बात रहेगी। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आराम भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर आपका जो मानसिक तनाव है वो बनता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करूँ तो स्वास्थ्य आपका लगभग लगभग ठीक रहने वाला है, लेकिन खाने पीने पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। देसी और घरेलू नुस्खों पर आपको ज़्यादा ध्यान यहाँ पर नहीं देना है, प्रॉपर चेकअप कराना आपके लिए अच्छा रहेगा। इन्वायरमेंटल डिजीज आपको हो सकती हैं, उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। जितना हो सके लाइट वेट खाना खाएं तो बेहतर रहेगा चारों महीनों के लिए। आपके लिए यही अलर्ट कहूँगा कि आप थोड़ा सा बाहर का खाना कम खाएं तो बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, ये हुआ एक छोटा सा अवलोकन। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।